शिक्षा में त्रंतिशक नियमित किए जाएंगे। संविदा शिक्षकों को उनका हक देना ही होगा और कोई चारा नहीं। शिक्षा मित्र नियमित और मानदेय को लेकर बड़ी खबर। भोलानाथ पांडे के नाम से वायरल हो रही है फर्जी न्यूज। 11,000 शिक्षा मित्रों को मिले 10,000 अंधेशकों को। नमस्कार, आप खबर विस्तार से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज। एन न्यूज की इस खास पेशकश में लेकर हाजिर हैं आज TV9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर, महान क्रांतिकारी विचारों के मालिक, देश के जाने माने पत्रकार, संवाददाता, एडिटर पूर्व की भांति एक बार फिर यूपी संविदा शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने की बेबाकी से आवाज उठाने वाले महान पत्रकार श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सदैव हक वंचितों की आवाज को मीडिया के समक्ष रखा और सरकारों से सवाल जवाब किया है। यही नतीजा है कि आज अंधेशक और शिक्षा मित्रों को पूरे प्रदेश में सभी जान रहे हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये जग जाहिर हो चुका है और लगातार अभी भी वो बने हुए हैं इन्हीं की समस्याओं को लेकर। TV9 के साथ उनकी आवाज़ बने हुए हैं, शिक्षा मित्रों की आवाज़, हक वंचितों की आवाज़ बने हुए हैं। महान पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अभी जल्द में कहा है कि इनको नियमित करना ही पड़ेगा, इनको हक देना ही पड़ेगा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई भी चारा नहीं है। इनको नई शिक्षा नीति के तहत नियमित करने का प्रावधान है। दूसरा समाचार आ रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, परियोजना से शिक्षा मित्र और अंधेशकों का 1,000 बढ़ाकर क्रमशः शिक्षा मित्रों का मानदेय 11,000 तथा अंधेशकों का मानदेय 10,000 करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार पर को भेजा गया है। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं कर देती, तब तक इसे ना ही मानकर चलें भोलानाथ पांडे प्रयागराज। ये फर्जी न्यूज़ अंधेशक शिक्षा मित्रों को गुमराह करने के लिए गलत संदेश चलाया जा रहा है। इन सब पर अंधेशक शिक्षा में ध्यान ना दें। सरकार जो भी करेगी अपने मन से करेगी। सरकार पर गलत कमेंट करने से बचें, बनता काम ना बिगाड़ें। अब तक के समाचार में बस इतना ही। मिलते किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।